प्रदेश की धार्मिक संस्कृति देवी देवताओं से जुड़ी परंपराओं को विलुप्त होने से बचाने की अनूठी पहल माता देवला दर्शन यात्रा। भारत देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये वही कौशल प्रदेश है जो पौराणिक काल में भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी कहा गया है। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश हरे भरे वनों व पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ की परंपरा इन्हीं वनों जंगलों ग्रामों कस्बों में रचती बसती है। प्रकृति भी इन्हीं पंच महाभूतों में समाहित है। छत्तीसगढ़ के लोग वनों में ही सभी देवी देवताओं को देखते हैं, जिसमें काली, कंकाली कालरात्रि, ठाकुरदैया, शीतला माता, बिलाई माता, बूढ़ा देव थाना, सतबहिनी बूढ़ी माई, कुकरापाट, परेतीन दाई, ये सभी देवी देवता ग्रामों व वनों में विराजती हैं। आज वर्तमान में लोग शहरी रहन सहन चकाचौंध चमक दमक के चलते इन देवी देवताओं से परंपराओं रीति रिवाजों भक्ति भावना से दूर होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी और समूचे जनमानस को इन्हीं परंपराओं कलाओं विधि विधानों से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल के चलते माता देवला दर्शन यात्रा एक पखवाड़े से निरंतर चली आ रही है। लोकमंडई के प्रारंभकर्ता डोंगरगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक दलेश्वर साहू द्वारा माता देवाला दर्शन यात्रा के माध्यम से जनमानस को जोड़कर उन्हें जानकारी देने के उद्देश्य से यात्रा निकली गई, जिसका तीसरा पड़ाव में बिलहरी चौतुबाबा धाम से पुरैना होकर रुआतला तक माता देवला दर्शन यात्रा निकाली गई। वहीं इस संबंध में यात्रा का उद्देश्य की जानकारी लेने जब विधायक डोंगरगांव दलेश्वर साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, इसका उद्देश्य और आगे क्या रूप रेखा? हम लोग माता देवाला का उद्देश्य जो है हमारे ग्रामीण देवी देवताओं के ऊपर फोकस रखना और धर्म के प्रति आस्था हमारे पूर्वजों ने ही किया है, पर आज के परिवेश जो लोग हैं युवा पीढ़ी वो गांव के देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं हो पा रहा है और मतलब जानकारी कराने के महसूस भी नहीं कर रहे हैं लोग। पर ये हमारे गांव के जो प्रमुख जन है, सियान है, पटेल है, गांव के जो वो है, वो आज भी वो आस्था बना के रखा हुआ है और बिना त्यौहार के बिना उस देवी देवता को पूजन करने के लिए पूरे गाँव भर त्यौहार भी मानते हैं। ये परम्परा पूर्वजों के ही देन है, पर मैं पूछूंगा कि यहाँ के किसी नया पीढ़ी को, भैया आपके गांव में देवी देवता कितने हैं, तो बता नहीं पाएगा, पर गांव के जो मुखिया है वो बता डालते हैं। तो उनको हम अवगत कराने के लिए, धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए कम से कम जाने तो सही हमारे पूर्वज ने क्या किया है। उस आस्था को लेकर हम पुस्तक भी छपवा रहे हैं, विमोचन भी होने वाली है, उसी यात्रा को लेकर आप हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और त्यौहार अगले 15 तारीख और होगा, ये चूँकि आज किसानों का हित में हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी पूरा लुआई का तोड़ाई का समय है, अगर हम कल निकाल देंगे तो किसान थोड़ा से मायूस हो जाएगा, इसलिए हम त्यौहार को भी देख रहे हैं, किसानों को कष्ट मत हो और भगवान ने धान फसल दिया है उसको कम से कम अपने घर तक ले आए, बाकी यात्रा तो चलते रहेगी, ठीक है।